गाइस, आज हम खेलने जा रहे हैं ऑटो सेल लाइफ का पहला गेम प्ले। भाई ये गेम हमारे चैनल के हिसाब से बहुत बढ़िया होने वाला है, लेकिन ऐसा एक सिमिलर गेम हम लोग पहले खेल चुके हैं जिसका नाम था ऑटो सेल सिमुलेटर। ये सिमिलर टाइप का ही गेम है, लेकिन इसमें आपको अलग क्या मिलने वाला है आपको बता देता हूँ। अलग इसमें आपको मिलने वाला है इसका स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन में क्या होता है, बंदा उसका कैरेक्टर हम प्ले कर रहे हैं, इस कैरेक्टर का जो काम है ना वो बेसिकली कार सेल करने का होता है। कार सेल करने के साथ साथ आपको पता है कि जब कोई किसी भी बिजनेस में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है तो उसके दोस्त भी बहुत सारे होते हैं और दुश्मन भी बहुत सारे होते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, इसके बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं। अभी आप देखिए, बंदा सूखे उठा है, बहुत ही गंदी लाइफ है इसकी, लग्जरी अपार्टमेंट है, पीसी प्यारा लगा हुआ है, पीसी का रूम बड़ा प्यारा है, वॉशरूम है, अभी क्लोसेट इतना प्यारा और इतना बड़ा बना हुआ है, पूछो ही बात, इसकी तो बस जिंदगी बहुत तगड़ी है आपको ये लग रहा होगा। स्टोरी जैसे ही आपको पता चलेगी तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में इस गेम का मोटिव क्या है। वीडियो को पूरा देखना जानने के लिए कि आगे इसके साथ क्या होगा और खाने में कैसे कैसे ट्विस्ट आते हैं। और भाई ट्विस्ट आने के बाद जब जिंदगी आपकी ऊपर नीचे होने लगती है तब आप उसको कैसे टैकल करते हैं। ठीक, बता, जस्ट अभी अपनी अपार्टमेंट से बाहर आया है, आपको पूरा अपार्टमेंट दिखाता हूँ अभी जाके, ये देखो भाई ये अपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा लग्जरी और बहुत ज्यादा महंगा है, और ये है एक विंटेज कार जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है। ये इसने अपने पर्सनल यूज के लिए रखी हुई है जिसका कैरेक्टर हम लोग प्ले कर रहे हैं, और अब इस कार को भी प्ले करेंगे। ये जैकवार का छोटा भाई लेपर्ड प्रिंट का ऐसा कुछ था, अभी लेपर्ड टाइप का कोई बना हुआ था लोगो, तो मुझे लगा वैसा कुछ होगा पर वैसा कुछ नहीं है। फिलहाल हमारा एक शोरूम है गाड़ियों का, क्योंकि बहुत ही लग्जरी हमने बनाया हुआ है, और उस शोरूम तक हम लोग इसी गाड़ी से जाने वाले हैं। ये ओवरऑल लुक बहुत ही प्यारा है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद क्या होने वाला और क्या नहीं वो तो आपको जाकर ही पता चलेगा, मतलब पहुँचने के आधे पता चलेगा। तो ये है हमारा पार्किंग, पर्सनल पार्किंग जो गाड़ी के लिए हमने बनाया हुआ, बिकॉज लग्जरी कार है, इसको अलग से सेपरेट खड़ी करेंगे। तो हमारा जो कार का सेलिंग शोरूम है वहाँ पे कैरी करेंगे तो सेलिंग के लिए नजर आएगी। भाई देखिए, मैंने बहुत ही नया कार है, ये तो फॉर्चुनर जैसी लग रही है, ये सुपरा है। और भाई ये जो कार मैं चला रहा हूँ उसी का एक स्पोर्ट्स वर्जन है, बहुत ही अच्छी प्यारी कार है, ये टोयोटा लग रही है, ये तो BMW है, सबको पता है। भाई शोरूम के अंदर चलते हैं, शोरूम के अंदर आपको दिख रही है तो भाई एक लंबी वाली रोल्स रॉयस खड़ी हुई है जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है। और तभी है ना पुलिस वाले आपस में बात कर रहे होते हैं, भाई हमारा जो टारगेट है वो पहुंच चुका है जेएम गैराज, जेएम गैराज का मालिक मैं हूँ, और भाई मुझे अरेस्ट करने के लिए लोग आए हुए थे, और भाई फाइनली उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया है ये बोल कर के भाई मैं चोरी चोरी की गाड़ियाँ बेचता हूँ, और उनमें से कुछ गाड़ियाँ बहुत सारे इलीगल कामों के लिए यूज हुई हैं। ऐसा एक्चुअल में नहीं है, ऐसा मुझे बताया गया है ये भूल कर कि भाई मैं बहुत सारी गलत इलीगल चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, बिकॉज ये जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया था और इसके जो कंपेटिटर्स थे उन्होंने ये प्रॉब्लम खड़ी करवाई है। भाई इस प्रॉब्लम की वजह से मुझे हुआ है 3 साल की जेल। भाई 3 साल के बाद मुझे उस बिजनेस में से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जितनी क्रिमिनल्स के साथ ये चीज़ इन्वॉल्व थी वो सारे के सारे मिल के उसको ख़त्म कर देने वाले हैं, और जिन भी लोगों को प्रॉब्लम हुई है कोर्ट का ऑर्डर देके उनको उसी प्रॉपर्टी में से ही हिस्सा जाएगा। तो वो प्रॉपर्टी हो गई है पूरी तरह से बैंकरप्ट, और जितने भी वहाँ एम्प्लॉय काम करते हैं उनको सैलरी देकर वहाँ से निकाल दिया गया है, और प्रॉपर्टी ख़त्म हो चुकी है। जेल का हाल ऐसा है कि भाई खाना थोड़ा सा मिलता है, लोग अपने वकील से बात कर रहे होते हैं मैस में ही, और कोई किसी का कुछ होता है, ये यहाँ पे सुल्फा बेच रहा होता है, सुल्फा नहीं मतलब थोड़ा सा बेच रहा होता है भाई, ये जाके ये नहीं नेक्स्ट बन गया, ये जाके हमारी छोटी सी कुटिया है। मैं 3 साल में मैंने काम की, 3 साल काम करने की वजह से मुझे अच्छा खासा अमाउंट मिलने वाला है, अच्छा खासा तो क्या, खैर जेल के हिसाब से आपको पता ही कितना मिल सकता है। मैं जेल में अच्छा लगा काम करने का, मुझे अब पता चलता है कि अब मेरी जो सज़ा है वो कम्प्लीट हो गई है, 3 साल कम्प्लीट हो गए हैं, ये मैं सेटिंग एरिए सब मिस तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं बाहर जाके बाहर की दुनिया देखूँ।
भाई ये भी देखो कि बाहर एक्चुअली में चल क्या रहा है, जिन लोगों ने मुझसे चीटिंग की थी क्या वो मजे में जी रहे हैं या फिर मेरे बिजनेस के साथ क्या हुआ है। तो यहाँ पर सब कुछ हो गया है कम्प्लीट, अब मुझे जाना है ना सामान कलेक्ट करने के लिए, और सामान कलेक्ट करके मुझे लेना है जेल से एग्जिट, और भाई बाहर जाके फिगर आउट करना है कि मेरी लाइफ अभी कैसी चलने वाली है। पर अगर स्टोरी लाइन को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसके बहुत सारे और भी पार्ट्स हम लोग लेकर आएंगे। और अगर कुछ आपका सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ये रहा मेरा सारा सामान, मेरा ब्रीफ केस जिसके अंदर मेरी पूरी सैलरी रखी हुई है, गाड़ी की चाबी, फोन और पति फोटो भी मेरे पास एक थी। मैं उधर मेरी फैमिली में कोई नहीं था तो मैं अकेला ही जेल में था, मुझसे कोई मिलने भी नहीं आता था, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी लाइफ। और सारी लाइफ से जूझते हुए भाई अब मैं आ गया हूँ मेन जगह पर, फाइनली लोगों ने सिटी में कर ली है एंट्री फ्लाइट के साथ। और भाई यहाँ पर मुझे पता चला है आगे कि भाई जी एम जी मोटर्स जो हमारी शॉप हुआ करती थी उस नाम का भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वो शॉप तभी ख़त्म कर दी गई थी जब मैं जेल में था, और अब वैसा कुछ भी नहीं है। वो प्रॉपर्टी बिक चुकी है, वो प्लॉट बिक चुका है, वो शॉप बिक चुकी है, वो अपार्टमेंट बिक चुका है, इवन वो गाड़ी जो मेरे पास थी वो भी बिक चुकी है। और भाई मेरे पास आ रही सब वही है वो मुझे जेल से कमा कर मिला है। मैंने एक बहुत ही सस्ता था घर अपार्टमेंट रेंट पर ले लिया है, समझ सकते हो कुछ ही देर पहले बहुत ही लग्जरी अपार्टमेंट था, और अब वो लग्जरी अपार्टमेंट बदल गया है छोटे से सस्ते से अपार्टमेंट में। तो भाई टाइम किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। तो भाई फिलहाल मेरे पास जो पैसे हैं इससे मैंने रेंट पे तो ले लिया है घर, लेकिन अब मुझे अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना पड़ेगा। और मुझे जो काम बचपन से बहुत प्यार से आता है, बचपन से मतलब जो भी काम मैंने स्टार्ट किया था वो है कार सेल का। तो भाई कार सेल के लिए मुझे चाहिए होगा एक गैराज या एक गैलरी टाइप। ये 30,000 की मिल रही है, मेरे पास 35,000। मैं सोचो आसपास कुछ और ऑप्शन है या नहीं है, भाई मेरे को तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो इसको बाय करना पड़ता है। ये हो गई मेरी ऑटो गैलरी कंप्लीट। इसके आगे आर्किंग स्पेस भी है और अंदर एक ऑफिस भी है जिसके अंदर सिर्फ दो तीन कुर्सियाँ और एक पीसी लगा हुआ है। इतने से नहीं हो पाएगा, पीसी भी नहीं, एक लैपटॉप रखा हुआ है बस, और इस लैपटॉप के साथ मुझे सब कुछ करना है। अभी मेरे पास बची है $49-44 बिकॉज कुछ ना कुछ यहाँ पे बिजली का रेंट वगैरह भी कटता रहता है। फाइनली भाई अपने अपनी शॉप का नाम रख दिया है, इट्स मनोज ऑटो, बिकॉज आपकी वीडियो देख रहे हैं मनोज लेगेसी चैनल पर। और भाई ऐसी बहुत सारी वीडियोज अलग अलग गेम प्ले की मैं लाता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए भी कि आप आगे की वीडियो देखो, और इसलिए भी कि भाई सपोर्ट मिलता है इससे, आपका सपोर्ट ही मोटिवेट करता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो बस अभी है ना मुझे फाइंड फाइंड करनी है अपनी पहली गाड़ी जिसको बाय करेंगे, और भाई वो होने वाली है कोई बहुत ही सस्ती सी कार। तो बस मेरे पास जो सामान बचा है ना, सामान नहीं मतलब मेरे पास जो अमाउंट बचा है ना वो है सिर्फ $4,400। बस $4,400 में तो कुछ भी नहीं होने वाला, आपको पता ही है। मैं शोरूम जहाँ पर हमें कार मिलने वाली है, लेकिन शोरूम नहीं है मार्केट है, लेकिन मैं पहुँचा हूँ लेट। मैं बाई 45 के अराउंड पहुँचा हूँ और 9 o'clock ये बंद हो जाता है, तो भाई मुझे सुबह तक का वेट करना है। दो ऑप्शन है, या तो मैं घर चला जाऊँ और घर जाने के बाद मैं इस एरिया में शॉपिंग करने आ जाऊँ, मतलब अपनी कार खरीदने आ जाऊँ। सेकेंड ऑप्शन है कि मैं रात भर यहीं रुक जाता हूँ, क्योंकि टैक्सी के पैसे बार बार कौन देता है, और क्या पता हमारी नेक्स्ट कार कितने की होने वाली है, क्या वो एग्जैक्ट 4,419 रुपीज़ की मिलेगी या नहीं, या क्या पता वो 5,000 रुपये की मिलेगी। 5,000 की मिलेगी तो मैं रेस्ट 500 रुपये कहाँ से लाऊंगा। मैं फाइनली दिन हो गया, मैं आपको कुछ इसके फीचर्स भी बता देता हूँ। स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, जैसे आप म्यूजिक प्ले कर सकते हो हेल्प प्रेस करके, एंड एम प्रेस करके आप फोटो क्लिक कर सकते हो और गैलरी में फोटो देख भी सकते हो। जब आप बी प्रेस करते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कभी ओपन नहीं है। आई प्रेस करने पे एबिलिटीज ओपन हो जाएगी, आप इंक्रीज कर सकते हो टाइम फ्रेम। जी प्रेस करोगे तो जॉब्स प्रेस मिलेंगे, आप ऊबर ड्राइवर बन सकते हो, आप कुरियर वाले बन सकते हो। टी से आप टैक्सी बुला सकते हो, आप किसी भी एरिया पे जा सकते हो। एम प्रेस करोगे तो आप मैप ओपन कर लोगे, चेक कर सकते हो मैप में चल क्या रहा है। और भाई ई
प्रेस करने पे आप किसी से इंटरेक्ट कर सकते हो, जो हम हर बार कर ही रहे हैं। गेट भी खोलना तो ई से खुलेगा, गाड़ी में बैठना तो ई से बैठेंगे, इंजन स्टार्ट करना है तो शायद सी से बैठेंगे, सी से करेंगे, मतलब किसी से बात करनी है तो भी ई से होगा। तो सारी चीज़ें यही हैं कुल मिलाकर। और 9 बजे हमारा जो मार्केट है वो खुलने वाला है, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3, 2, 1, और आओ भाई। तो ये जो प्रकट हो गए हैं लोग, ये प्रकट नहीं हुए, हम गलत टाइम पे गलत जगह पे खड़े हुए थे, ये लोग तो 9 बजे आने ही थे। भाई हेलो, वेलकम। ये जो थोड़ा सा चोर टाइप का लग रहा है मुझे, ये इस गाड़ी को बेच रहा है तकरीबन $2,020 की, और भाई यही है वो कार जो मैं आपसे पहले खरीदनी, बजट ही इसका है, इससे ऊपर कोई गाड़ी आप खरीद ही नहीं सकते, हमारे पास उसके पैसे हैं ही नहीं, और जब पैसे ही नहीं है तो आप खरीद भी नहीं सकते। सेकंड, ये बंदा है जो सेम कार को $2,005 बेच रहा है, $15 मेरे बेच रहे हैं। देखिए भाई, कार की जो कंडीशन है ना, ऐसे लग रहा है इसमें तो हैंडलिंग नहीं थी किसी ने, और उसकी कंडीशन फिर भी हेलो, बहुत वेलकम। अच्छी है। सर, मेरे पास बार्गेन करने का कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज बार्गेन का ऑप्शन जो बाद में ओपन होगा, फिलहाल भाई इस गाड़ी को मैं खरीद लेता हूँ, परचेज कर लेते हैं इसको। यस, गुड डील। और भाई ये बिल्कुल हाथ मिला के बोलता है, इट्स अ गुड डील, वेरी गुड डील। अब मुझे गाड़ी में बैठना है, अफोर्डेबिलिटी को इंक्रीज कर लेते हैं, बिकॉज इसी से हमारा जो प्राइस वाला ऑप्शन है ना, वो बाद में लोग बार्गेन कर पाएंगे इसी एबिलिटी से। नई कार खरीदने में मुझे 3 एबिलिटीज फ्री मिली, तो मैंने उनको अप्लाई कर दिया। गाड़ी के दूसरी साइड से हमें एंट्री करनी है, बिकॉज भाई ये बहुत क्लियर है इस गेम में कि जो जैसे रियलिटी में होता है वैसे ही करना है। अगर आप ड्राइवर हो और ड्राइव कर रहे हो, तो आप उसी साइड से बैठना, आप स्टेयरिंग व्हील है दूसरी साइड से, GTA थोड़ी है यार कि दूसरी साइड से घुसोगे उसको ड्राइवर को धक्का मार के गिरा दोगे। यहाँ पर एग्जैक्ट वहीं से बैठना है जहाँ पर आपका स्टेयरिंग व्हील है। भाई अब हमें कराना है इसे रिपेयर, तो अब हम जाएंगे रिपेयर सेंटर, और हमें ये भी ध्यान देना है कि भाई इसके कंट्रोल जो है वो अभी हमारे लिए नए हैं और बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है, गलत जा रहे हैं, एरर पीछे की तरफ दिखा रहा है। बहुत सावधानी से हमें चेंज लेना पड़ेगा, और बहुत सावधानी का मतलब मेरा है कि जितना कम डैमेज होगा उतने कम पैसे वेस्ट होंगे, $2,399 बस हैं। और भाई को मुझे यूज़ करना है रिपेयर सर्विस के लिए, और भाई रिपेयर सर्विस के बाद ये गाड़ी जिस कंडीशन में होगी उस कंडीशन के हिसाब से हमें इसके कितने पैसे मिलेंगे वो सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी धीरे धीरे, जैसे जैसे हम पॉइंट्स कंप्लीट करते जाएंगे। मैं रिपेयर सर्विस दिखा रहा हूँ ऊपर थोड़ा सा। हाँ जी, ये रही रिपेयर सर्विस 21 मीटर। ओ भाई, बचा बचा बैठा के कबने से टक्कर होते होते बची है। और भाई ये है हमारी रिपेयर सर्विस, भाई इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस है, हमें इंजन को स्टॉप कर देना है और कार को छोड़कर जाना है एम्प्लॉय से बात करने के लिए। मैंने कार छोड़ दी, एम्प्लॉय से बात करने आया हूँ मैं। भाई ये तो सीधा वो बात ही नहीं कर रहा। अच्छा हाँ, इंजन ऑफ नहीं किया भाई मैंने, पर एक साइन आके हैं, यू आर हंग्री। मैं हंग्री तो क्या हो गया, खाना कहाँ से खाऊँ, पैसे कम है, रिपेयर भी कराना है, दुख है भाई बहुत दुख है। अभी भाई इसकी रिपेयर सर्विस में जितने भी ऑप्शन थे सारे के सारे मैंने रिपेयर करा दिए हैं, गाड़ी बिल्कुल टिप टॉप हो गई है हर एंगल से। अब बस अभी इसका डेंटिंग पेंटिंग कराना है, डेंटिंग या पेंटिंग कराना, थोड़ा सा बैक लेते हैं और पेंटिंग के लिए जगह देखते हैं। पेंटिंग के लिए जगह इसके बगल में ही होनी चाहिए। हाँ जी, यार ट्यूनिंग वाली जो एरिया है यहाँ पर इसकी ट्यूनिंग करेंगे, यहाँ पर फिर से इंजन ऑफ कर देना और गाड़ी से बाहर निकल के एम्प्लॉय से बात करनी। तो गाड़ी से जैसे बाहर निकले जी, इंजन फिर से ऑफ नहीं हुआ क्या, नहीं एम्प्लॉय से बात करनी, एम्प्लॉय भाई तो फिर सीधे मुँह बात नहीं कर रहा, भाई कैसे एम्प्लॉय रखे हुए उन लोगों ने। अच्छा दूसरे वाले एम्प्लॉय से बात करें, ये है पेंटिंग वाला, तो हाँ जी मैं पेंटिंग करना बोला, भाई $500 लगेगी पेंट करने के, और देख लेना पेंट करने का तुम्हारी गाड़ी की कीमत एकदम से बढ़ जाएगी। तो येलो और ग्रीन के बीच का एक कलर है जो कि येलो शेड के साथ आता है,
और ग्रीन इसका टेंट है, तो भाई बहुत प्यारी गाड़ी लग रही है जिस हिसाब की ये गाड़ी है। लाइक जो नेम प्लेट है उसको मैंने चेंज करा दिया है $100 में, मनुज ऑटो भाई, क्योंकि मनुज ऑटो के बाहर खड़ी रहेगी तो प्रॉपर कस्टमाइज होनी चाहिए ना यार। और ये कस्टमाइजेशन आप भी यूज कर सकते हो अगर आप इस गेम प्ले को खेलने वाले हो तो। फिलहाल इस गाड़ी को लेकर हमें जाना है अपने घर के सामने जो हमने गैलरी खरीदी थी वहां पर, और भाई इसको सेल पे लगा देना। फिलहाल ये शो कर रहा है कि मैं बहुत ज्यादा हंग्री हो गई भाई। मेरी गाड़ी हुई है डैमेज, और शुक्र की बात ये है कि भाई सर्विस सेंटर के बाहर ही डैमेज हो गई, तो थोड़ा सा पैसे और लगेंगे पर इसको ठीक करा कर ही निकलेंगे। गाड़ी कर देनी है ऑफ, इंजन ऑफ करो भाई, अब बाहर आ जाओ। इंजन ऑफ कर दिया है, ऊपर बार बार साइन आ रहा है यू आर हंग्री, और भाई रेड कलर के बाप पूरी स्क्रीन पर आने लगे हैं, जिसका मीनिंग ये है कि भाई इसकी हेल्थ कम होने लगी। हो टैक्सी लेकर मैं घर आ गया था ये सोच के कुछ खा लूंगा, घर के बाहर ही बेहोश हो गया हूँ, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया है, $50 खर्च हो गए उसमें मेरे। अब भाई अब नींद आ रही है बहुत जोर से, मैं काम करता हूँ 3 4 तो नहीं 7 घंटे की नींद लेता हूँ यार। अगर खाने की वजह से मैं गिर सकता हूँ तो नींद की वजह से तो पक्का गिर सकता हूँ, तो नींद रहता हूँ पूरी। और भाई बात का हो रहा है टाइम, टिकट का जब से बंद, मुझे ना वापस जाना पड़ेगा ऑटो सर्विस के पास, बिकॉज गाड़ी वहीं पर खड़ी हुई है, रिपेयर भले ही हो गई है पर खड़ी वहीं पर ही। $1,395 बचे हुए, सब कुछ हो चुका है, गाड़ी खरीद चुके हैं, और भाई इस गाड़ी की जो कीमत आने वाली है उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या बचेगा इन्हें, और उससे हम नेक्स्ट क्या खरीद सकते हैं। आपको क्या लगता है कि मैं कौन सी गाड़ी खरीद लूंगा तब मुझे ये गेम प्ले छोड़ देना चाहिए, या फिर कितनी गाड़ियां खरीद लूंगा तब मुझे ये गेम प्ले छोड़ देना चाहिए? तो एक टाइम के बाद ना आपके पास इतने पैसे आ जाते हैं, मैं आपकी को ज्यादा देर नहीं झेल पाता, फिर आपको नया गेम खेलना पड़ता है। बट जिस इसकी स्टोरी लाइन में ना, मुझे तो लगता है अभी ये उन बंदों से बदला भी लेगा जिसने इसके साथ गलत किया है। और भाई बहुत सारे कुछ मेरा मुझे नया लग रहा है, क्योंकि कारपुर सेल सिम्युलेटर में नहीं था। कारपुर सेल सिम्युलेटर में था कि आप छोटे से थोड़े से पैसों से स्टार्ट कर रहे हो, और थोड़े से पैसों से स्टार्ट करने के बाद आपके पास धीरे धीरे गाड़ियाँ खरीदी बेची, अननेसेसरी प्राइस लगा रहे हो उसका, लोग प्राइस आगे बार्गेन कर रहे हैं, और आप काफ़ी कुछ अचीव कर लेते हो बहुत जल्दी। अगर आप वीडियोज देखोगे, अच्छा 5 लाख से स्टार्ट किया था, 1 करोड़ तक पहुँच गया था कुछ 7 8 गेम प्ले में। तो भाई अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये स्टोरी लाइन के ऊपर बेस्ड है, और भाई ये बिल्कुल अलग नहीं बना है। फिलहाल हमें जाना है मेरे घर के पास वाली गैलरी में, कि माया गैलरी है, तो भाई माया गैलरी के अंदर मुझे इसको पार्क कर देना है और फिर लगाना है इसको सेल पे। भाई लेकिन कार्पोसेट सिम्युलेटर में ना आपके पास एक टैब हुआ करता था, टैब से आप कर लेते थे। भाई याद आया पेट्रोल भी भरवाना है, $1,325 मेरे पास हैं, इसमें कितना पेट्रोल भरवाऊँ जो अच्छे से बिक जाए, लेट्स सी कितना ये भागते हैं और कितना भरवाता हूँ। मुझे इंजन डाउन करना पड़ेगा भाई, $93 में मैंने पूरी टंकी फुल करा ली है, भाई टंकी हो गई पूरी तरह से फुल। इंजन ऑफ करके मैं निकल गया हूँ अपने घर की तरफ, घर मेरा सामने है 26 मीटर पे, और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई मेरी जो गैलरी है उसके जस्ट बगल में पेट्रोल पंप है, अगर तो मेरी कोई भी गाड़ी इससे ख़राब होती है इसको बैक को बैक की तरफ और फ्रंट को फ्रंट की तरफ करके खड़ी करेंगे ताकि अच्छे से व्यू आए, और अभी से बीच पर क्या ये सही जगह है, इस पर आधी धूप आधी छाँव सही तरीके से आ रही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है, ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वर्क कर रहा हूँ। अगर कुछ सजेशन है ऑडियो क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए तो प्लीज़ बताना, मैं आपके सारे सजेशन लेता हूँ। और बस ये है हमारी पहली कार जो हमारे शोरूम में अगर खड़ी हुई है मनोज ऑटो में, और मनोज ऑटो की फर्स्ट कार जो कि अब बिकने जा रही है, $2,000 की मैंने खरीदी थी, $1,024 मैंने इस पर लगाए हैं, और इसको भाई मैं बेच देता हूँ आई थिंक $5,000 में, क्या बोलते हो? 4,500
500 कर दे सर। $4,500 ये लाइक लगा कि मैंने लैपटॉप ऊपर दिया है भाई, तो बाहर जाकर तमाशा देखते भाई होता क्या है। इस गाड़ी तो को। बेचते आज का गेम प्ले कर देंगे यहीं पर खत्म, और भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर एक बहुत ही अच्छी प्यारी लग्जरी कार हम लोग खरीदने स्टार्ट करेंगे, और भाई इस गेम में कैसी कैसी कारें उड़ने वाली हैं ये तो आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए तो भाई सब लोग यहाँ पर गाड़ियों में चलते, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सिर्फ मेरा अपना छोटा सा नजर आ रहा है, इसको बहुत जल्दी बहुत बड़ा बना दूंगा मैं। ये मैं पहली लेडी है जो मेरे को पैदल दिखाई दे रही है, बाकी सब लोग गाड़ियों में, तो पक्का ये गाड़ी के लिए आ रही है। नर्स है क्या ये? है जो भी है, गाड़ी खरीदनी है मेरे को, गाड़ी बेचनी है कदम बा, बाकी मेरा ऑप्शन आई है आई डोंट है ओके डील या नो आई कांट, दो ही ऑप्शन है बस। इनसे कह रहा बढ़ा लो, वो कह रहे ऑप्शन ही नहीं तेरे पास तो बार्गेन क्या करेगा तू, बेच Yes, के good लाता हूँ घर। मैंने ओके डील किया, उसने कहा deal. थैंक यू सो मच और गाड़ी वो ले गई। एक प्लस उसने मेरे को 4 स्टार रेटिंग भी दी है, बिकॉज जो गैलरी है इसकी रेटिंग अच्छी होगी तभी तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने घर वालों का रखो ध्यान, और आप सबको बाय।